कोडिंग डिकोडिंग सभी लोग फटाफट -फड़ से आ जाएंगे सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे भाई क्योंकि थ्योरी बेच अपना चल रहा है और थ्योरी बेच के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार बहुत ही गजब की चीज है जो कि डेली बेसिस पर अपने वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर थ्योरी के रूप में चल रही है तो कल का सेशन आपको किस तरीके का लगा अल्फाबेट टेस्ट आप लोगों ने कंप्लीट किया और साथ ही साथ दोपहर बारह बजे आप लोग करते हो मेरे ही साथ में प्रैक्टिस ठीक है तो कम से कम हम लोगों ने कल पचास क्वेश्चन कल किए होंगे बारह बजे वाली क्लास में और उससे एक दिन पहले हमने पैंतालीस क्वेश्चन किए यानी फाइव क्वेश्चन हमने एक ही टॉपिक से रिलेटेड किए हैं दोपहर बारह बजे थ्योरी चलेगी यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के साथ में अनअकेडमी लर्निंग एप पर दोपहर बारह बजे ठीक है भाई तो कैसा रहा सेशन फटाफट -फड़ से एक बार थम्सअप कर दो अल्फाबेट टेस्ट में कहीं कोई कमी रही या आपका ऐसा कोई कंसेप्ट था जो आप लोगों को नहीं आया हो भाई हमने बहुत सारे प्रश्न कल किए उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई अब मैं यहां पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी दो दिनों के अंदर वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग YouTube क्लास के अंदर तो लगभग दो हजार ढाई हजार बच्चे आ जाते दो हजार बच्चे आ जाते आप ना लाइव सेशन के अंदर। लेकिन फिर बारह बजे वाली क्लास के अंदर आप लोग मुश्किल से सात सौ आठ सौ लोग होते। तो भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को कि आप लोग ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं थ्योरी हमारी यूट्यूब क्लास पर होगी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस हमारी अन अकेडमी ऐप पर होगी दोपहर बारह बजे तो दो सेशन से हैं अपने पास ठीक है सुबह ये 10 से 11 बजे वाला सेशन जो कि थ्योरी सेशन है और दोपहर 12 बजे वाला सेशन जो कि एक प्रैक्टिस सेशन है तो आज कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी आप लोग यहां पढ़ने वाले हो लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोग वहां पर करने वाले हो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई ठीक है सभी लोगों को बात समझ में आ रही है सभी लोग एक बार जोश के साथ में थम्सअप कर दो कि यस सर बात समझ में आ गई वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं उसी मोटिवेशनल कोर्ट के साथ में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा क्या बोला गया है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं किससे लड़ना पड़ेगा रातों से लड़ना पड़ेगा भाई साहब ठीक है और ये अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो जिन बच्चों ने नहीं पता है जिन बच्चों को उनको मैं बता दूं दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपसे आपको सारी पीडीएफ वगैरह क्लास के लिंक वगैरह इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए मैं पीडीएफ दूंगा वो आपको मिलेगी ठीक है तो इसको आप लोग सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेना दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल लिंक भी इसी नाम से है एस टी deepaksirreasoningofficial टी डॉट मी स्लैश दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल ठीक है भाई बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम का पूछ रहे थे कल भी तो उनको मैं बता दूं कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ यही है भाई सब अपना ठीक है इसके अलावा आज आठ दिसंबर का दिन है और आठ दिसंबर का दिन का सीधा सा मतलब ये है कि अपना चालू हो रहा है बैच जो कि बिल्कुल बेसिक से चालू हो रहा है एमपीएसआई की तैयारी करने वाले सुन लीजिएगा यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले राजस्थान पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस इसके अलावा एसएससी और एनटीपीसी सीबीटी पी टू की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बेसिक से हाई लेवल तक अपना एक बैच चालू हो रहा है जिसके अंदर सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिलेगी टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ में कोड आपको यूज करना है दीपू टेन डी डबल जीरो ठीक है दीपू टेन कोड लाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एस एस सी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कंप्लीट रीजनिंग का बैच और जो शाम को और इसके अलावा दोपहर बारह बजे वाली जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन अगर आपको प्राप्त करना है जो कि बिल्कुल फ्री क्लास होती है दोपहर बजे चैप्टर वाइज तो आप लोगों को पहले लर्निंग इंस्टॉल करना है और मेरे नाम को सर्च करके फॉलो करना है स्टेप फर्स्ट तो यह है ठीक है आप जैसे ही मुझे फॉलो करोगे लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा तो अब आपको नोटिफिकेशन मैसेज के रूप में प्राप्त होना चालू हो जाएंगे आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा कि भाई साहब क्लास चालू होने वाली है और ये ये शेड्यूल है उसके अलावा आपको क्या करना है बैचेस पर जाना है अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको बैचेस पर जाना है सी ऑल पर क्लिक करना है सी ऑल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसमें आप नीचे देखेंगे उस बैच को तो गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होगा गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो उसके बाद में इस तरीके की विंडो ओपन होगी जो कि एक सब्सक्रिप्शन विंडो है ठीक है सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स आ गए आपके पास में 24 महीने का 12 महीने का 6 महीने का उसमें आपको लगाना है एड रेफरल कोड में दीपू टेन कोड लगा के अप्लाई करने आप जैसे ही एड कोड में दीपू टेन कोड लगा के अप्लाई करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड और उसके बाद आप पेमेंट किसी भी मोड से कर लीजिए नाउ यू कैन वॉच लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके जी इंग्लिश सभी की क्लासेस देख सकते हो आठ तारीख आज से अपना ये बैच चालू होने जा रहा है शाम को आठ बजे ठीक है गाइस इसके अलावा ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको रेज हैंड का फीचर है आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं सारी चीजें आठ दिसंबर का दिन चैप्टर वाइज मॉक चल रहा है और आज का टॉपिक है कोड डिकोड ठीक है थ्योरी अभी मैं करा दूंगा बहुत जल्दी बढ़िया से और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आप चेक टेस्ट लगाएंगे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे पचास क्वेश्चन की दोपहर बारह बजे अच्छा एक गुड न्यूज आज के लिए क्या है सभी के लिए है आज की एक गुड न्यूज सभी के लिए है कि आज आप लोग डेढ़ बजे क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक से मेरे साथ में बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ में आज आप लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर तो भाई साहब इसीलिए मैंने कहा कि फॉलो कर लो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो ताकि आपको इसकी क्लासेस नोटिफिकेशंस वगैरह सब मिलते रहें ठीक है तो फॉलो कर लेना अन अकेडमी पर और क्लॉक चैप्टर पढ़ने आ जाना एन टीपीसी टू में ऑलरेडी प्रश्न आए हुए हैं रेलवे में भी प्रश्न आए हैं सभी जगह ग्रुप डी वगैरह में एस एस सी में भी अभी आप जी डी का पेपर देके आए हो क्लॉक का क्वेश्चन आया है ठीक है भाई साहब तो ये तो रही आप लोगों के लिए अब स्टार्ट करते हैं कोड डिकोड कोड डिकोड ठीक है कोड डिकोड का सीधा सा मतलब होता है कूट लेखन क्या होता है इसका मतलब इसका मतलब होता है कूट लेखन ठीक है अब कोडिंग को सीखने से पहले आप लोग दो चीजें तो भली बाती और बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि कौन से लेटर का नंबर क्या होता है, है ना ये चीज आप सीख चुके हो और ये समझ लो ये चीज अगर आप सीख चुके हो ना तो आधा कोडिंग रिकॉर्डिंग यहीं पर हो गया ठीक है ई जे ओ टी वाई पांच दस पंद्रह बीस और ये पच्चीस जोटी वाला कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है यस यस और नो -पड़ से कर देंगे कि यस सर पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस ई जो टी वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है अब यहां पर देखना इधर मैंने एक प्रश्न दिया मैंने एक प्रश्न दिया आपको कि मौका कोड है ठीक है मौका कोड ये है तो तो विद का कोड क्या होगा मौका कोड ये है मान लो तो टेस्ट का कोड क्या होगा मान लीजिए ये प्रश्न मौका कोड ये है तो टेस्ट का कोड क्या होगा आपको क्या लगता है कि कोडिंग से रिलेटेड कितने टाइप के पैटर्न आप लोगों ने आज तक पढ़े होंगे मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टाइप बोल रहा हूं एक एक टाइप में कितने पैटर्न होंगे मुझे नहीं पता मैं आपको टाइप बोल रहा हूं कम से कम दस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा पर बनाने वाला इसमें पांच सौ टाइप के क्वेश्चन बना सकता है पांच सौ पैटर्न पे क्वेश्चन बना सकता है तो क्या आपने कभी पांच सौ पैटर्न पढ़े हैं शायद नहीं ठीक है मैं तो आपको दस टाइप के बताऊंगा लेकिन बनाने वाला एग्जामिनर जो है पांच सौ तरीके के पांच सौ पैटर्न पे क्वेश्चंस बना सकता है ठीक है लेकिन मैं आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा ठीक है इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ इतना सा दस टाइप पढ़ाऊंगा लेकिन इन दस टाइप में से आप पांच पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो इतना जबरदस्त आपका आईक्यू लेवल बिल्ड हो जाएगा ये मेरा प्रॉमिस है बस आप देखते हुए चलना तो सबसे पहले जिस टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टाइप का नाम यही है टाइप नंबर वन।, वन हमारा यही है इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और आप कभी भी कंपेरिजन सामने नहीं करोगे भाई साहब कभी भी कंपैरिजन आप सामने नहीं करोगे ऐसे जैसे MOC सी के मॉक मॉक का कोड आप हमेशा कहाँ लिखोगे जो भी कोड दे रखा है आप नीचे लिख देंगे आपने नीचे लिख दिया अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सभी के अंदर प्लस वन वाला लॉजिक चल रहा है तो आपने तुरंत प्रभाव से इसके अंदर भी प्लस वाला लॉजिक चला दिया तो टी का क्या हो जाएगा यू ई का एफ एस का टी और फिर टी का क्या हो जाएगा यू आपका आंसर आ गया यू एफ टी यू सर हमारा आंसर आ गया आपने कहा यू एफ टी यू ये हमारा आंसर आ गया सर ठीक है लेकिन मेरे भाई अब आप देखना यहां पर कि टाइप वन में एक ही पैटर्न थोड़ी है टाइप वन के क्वेश्चन में एक ही पैटर्न थोड़ी है अब मैं यहां से सारे पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूं और आप लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से कॉपी में भी नोट करते हुए जाइएगा जरूरी है क्या एग्जामिनर आपको प्लस वन देगा ये कोई रूल बन गया क्या कि नहीं एग्जामिनर आपको प्लस वन देगा ये कोई रूल बन गया क्या कि एग्जामिनर आपको प्लस देगा जी नहीं एग्जामिनर आपको माइनस वन भी दे सकता है हो सकता है कि एग्जामिनर प्लस वन वाला लॉजिक दे पर यह भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको माइनस वन वाला लॉजिक दे दे क्यों भाई साहब सही है नहीं है अब दूसरा देखना यह भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको प्लस टू प्लस टू वाला लॉजिक दे दे हो सकता है एग्जामिनर आपको प्लस टू प्लस टू वाला लोजिक दे दे तो यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको minus two minus two वाला लोजिक दे दे गुमराह दे दे। दे दे, दे दे। करने के लिए पहले वाले में प्लस वन दूसरे में प्लस टू तीसरे में प्लस थ्री फिर प्लस फोर प्लस फाइव ऐसे बढ़ता हुआ जाए या फिर माइनस में बढ़ता हुआ जाए भाई सब माइनस वन माइनस टू माइनस कर देंगे भाई प्लेलिस्ट पूरी अलग से बना दी गई है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको पैटर्न कोई से भी दे सकता है तो हम लोग क्या करेंगे हम एग्जाम में दृष्टिकोण से क्या रखेंगे आपको तो चेक करना है प्लस वन प्लस टू या प्लस थ्री या फिर एग्जामिनर बहुत ही चालाकी करता है कि डायरेक्टली पहुंचा देता है प्लस ग्यारह या माइनस ग्यारह पे या प्लस तेरह या माइनस तेरह पे जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो ये दो लॉजिक भी लगाकर देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ये तो नॉर्मल आप चेक करते ही हो कहीं ये तो नहीं है लेकिन ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको प्लस ग्यारह या प्लस तेरह या माइनस ग्यारह या माइनस तेरह में से भी कोई एक लॉजिक दे दे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा पूछा है क्योंकि उसको पता है कि ये तो कोई भी कर लेगा लल्लू प्रश्न से 1, plus 2, plus 3 वाले यहां आएगा यहां आएगा भाई साहब है ना दिक्कत यहां आएगी यहां तक सोचना पड़ेगा प्लस ग्यारह या प्लस तेरह अब बात आती है कि ये चार पैटर्न तो समझ में आ गए पर जरूरी है क्या एग्जामिनर ने मान लो ये प्रश्न दे दिया मॉक मॉक का कोड दे दिया आपको मॉक का कोड ये दे दिया और आपसे टेस्ट का कोड पूछ लिया तो ये कैसा पैटर्न है भाई साहब मैंने आपको क्या बोला कंपेरिजन कभी भी सामने से मत करो कंपेरिजन कैसे करोगे नीचे लिखकर कंपेरिजन करो कंपेरिजन कभी भी सामने मत करो कंपेरिजन नीचे लिखकर करो यहां पर एल डी पी एन अब आप क्या करोगे अब आपका कंसेप्ट क्या है आपका कंसेप्ट कहता है जो आपको सिखाया गया है कि लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड वाले से कंपैरिजन करोगे भाई साहब आपको मजा आ गया आपने लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड वाले से कंपैरिजन किया आपको लगा यार ये तो माइनस वन हो रहा है एल और एम माइनस वन हो रहा है फिर आपने आगे देखा आगे देखा तो आपको पता लग गया अरे भाई साहब ओ से डी पर चला गया ये तो माइनस हो गया फिर आपने सी से पी पर गए सी से पी पर गए अरे यार ये तो प्लस हो गया फिर के से एन पर गए यहां आगे माइनस वन था ये है ना फिर के से एन पर गए तो यहां पे आपको प्लस थ्री हो गया तो ये कोई पैटर्न चल रहा है क्या ये कोई पैटर्न चल रहा है क्या आपने लेफ्ट साइड वाले का कंपेरिजन किया लेफ्ट साइड वाले का कंपेरिजन करते ही आपको पता लगा कि यार ये ये कोई पैटर्न है क्या ये माइनस वन माइनस ग्यारह प्लस तेरह ये तो उठपटांग पैटर्न चल रहे हैं तो इसका मतलब बाई तरफ वाले का बाई तरफ वालों से कंपेरिजन नहीं करोगे आप, आप कंपेरिजन कैसे करोगे अब बाई तरफ वालों का जरूरी है क्या बाई तरफ कोड दे रखा हो बाई तरफ वालों का दाई तरफ से भी आप कोड चेक कर सकते हो एम का एन ओ का पी सी का डी के का एल ये भाई साहब कोड तो लिखा हुआ है प्लस वन तो किया हुआ है लेकिन प्लस वन इस बार कहां से किया हुआ है पीछे से तो पांचवा पैटर्न आपका बन गया पांचवा पैटर्न बन गया रिवर्स रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में भी भाई साहब कोड दे सकता है आपको आगे वाले का कोड कहां दे सकता है पीछे दे सकता है तो आप क्या करोगे प्लस वन तो करोगे लेकिन आगे वाले का कोड कहां लिखोगे पीछे टी का यू ई e का एफ एस का टी और फिर टी का यू ये आपका बन गया ये आपका आंसर आ गया तो पांचवें नंबर का पैटर्न आप लोगों को क्या दे सकता है एग्जामिनर फटाफट फड़ से थम्सअप करके बता देंगे एक बार शेयर कर दो भाई साहब जबरदस्त तरीके से ठीक है पहला पैटर्न प्लस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन या प्लस टू माइनस टू या फिर ऐसे प्लस थ्री प्लस थ्री या फिर माइनस थ्री या फिर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर या माइनस टू माइनस ही माइनस फोर ये चार पैटर्न पांचवा पैटर्न आपने पढ़ा रिवर्स ऑर्डर कोड आगे से न देकर कोड पीछे से भी दे सकता है टाइप नंबर वन के अंदर ये पांचवा पैटर्न अब टाइप नंबर वन के अंदर ही चल रहा है अभी टाइप नंबर वन ही चल रहा है उसके अंदर देखो पैटर्न के अंदर अब हम पढ़ेंगे छठा पैटर्न पैटर्न नंबर सिक्स इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं भाई साहब रीअरेंजमेंट जिसका हिंदी में नाम होता है पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट का मतलब है सीधा सा पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न कैसे आता है पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखना कैसे आता है जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए यही लिख दिया मैंने और इसका कोड दे दिया मैंने आपको और मैं अब आपसे कोड पूछ रहा हूं क्लॉक का कोड ये है तो ब्लैक का कोड क्या हो अब आपके दिमाग में क्या आएगी दोस्तों चीजें देखकर रीअरेंजमेंट का मतलब ही क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश कर रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था अब आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि भाई साहब क्लोक के अंदर जो आपको लेटर दे रखा है सी एल ओ सी के वो सारे लेटर तो मुझे यहां भी दिखाई दे रहे हैं दो बार सी यहां भी आ रहा है के इधर आ रहा था तो के इधर भी आ रहा है ओ इधर आ रहा है तो ओ इधर भी आ रहा है एल इधर आ रहा है तो एल इधर भी आ रहा है इसका मतलब आप लोग समझ जाना वहीं पर कि इसने क्या किया है कि कोई पैटर्न वैटर्न नहीं दिया रीअरेंजमेंट दिया है रीअरेंजमेंट का सीधा सा मतलब है कि जिस पैटर्न में कोड नीचे लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है सारे लेटर तो सेम है सारे लेटर सेम है पर अब इसने किस तरीके से लिखा है इस चीज को समझना है अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो पीछे से पेयर बनाया उसने ये दो का जोड़ा फिर ये दो का जोड़ा फिर ये एक पीछे वाले जोड़े को उठाकर यहां आगे लेके गया है मिड वाले को उसने मिड में रखा है आगे वाला जो लेटर बच गया उसको वो पीछे ले गया सही है नहीं तो ऐसे ही देखना ये दो ये दो ये एक यहां से उठा के आया सी के यहां से उठा के आया एल ए यहां से उठा के आया बी तो ये हमारा आंसर हो ठीक है इसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट क्या बनेगा सी के एल ए बी अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे फटाफट से करके बता दो फिर इसी बात पे ठीक है एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जैसे कि टीचिंग टीचिंग का कोड उसने दिया है आपको टी एच ई ए, ए टी आई जी मान लो ये दिया है। तो वॉचिंग का कोड क्या होगा ये बनाइए आप चलो करके बताओ भाई साहब इस प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे भाई साहब इस प्रश्न को कर पाते हैं फटाफट फड़ से शेयर करते रहो यार आप लोगों से सिर्फ इतना ही सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मस्त तरीके से बस रेस्पॉन्स देते रहें है ना चीजें आपको ऐसी ऐसी मिलेगी गाइज और बिल्कुल बेसिक से मिलेगी आप चाहे इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी किसी भी लेवल की आप पचास प्लस टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ने वाले हो इस सेशन के अंदर ठीक है वो भी कंप्लीट तरीके से और उसी सेम डे आप प्रीवियस ईयर पेपर के 50 क्वेश्चन भी करने वाले हो दोपहर बारह बजे वाली क्लास में ठीक है अन अकेडमी लर्निंग एप पर यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों में करवा रहा हूं अब और क्या चाहिए भाई साहब आप लोगों से तो बस इतना बोला है कि आप बस सपने देखना चालू करो और पढ़ना धमाकेदार तरीके से चालू कर दो सही है नहीं है अब देखो यहां पर सारे के सारे लेटर सेम है कि नहीं है आपको दिख रहे हैं क्या भाई आपने सबसे पहले क्या करा इसको लिख दिया नीचे लिख दो आप यहां पे लिखोगे आप ये लिखिए टी ई ए सी एच आई एन जी और इसका कोड कंपेरिजन हमेशा नीचे लिख दो है ना कोड के नीचे लिख दो जो वर्ड आपको दे रखा है उसके नीचे लिख दिया हमने तो आसान हो जाएगा आपके पास सी एच ई ए और ये लिखा हुआ है आई एन जी तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों एक चीज तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आइडेंटिफाई हो गई होगी कि भाई साहब लास्ट के तीन लेटर तो एज अ टीज हैं उनमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है सारे के सारे लेटर सेम है और लास्ट के तीन लेटर तो अपनी जगह पर है आईएनजी तो आईएनजी की जगह पर है फिर यहां पर देखो इसने पेयर बनाया दो दो का दो फिर दो और फिर एक और पीछे वाले पेयर को उठा के आगे लेके गया ये सी एच ये आपका ई एच और ये आपका लेके गया है टी तो टीचिंग का कोड ये बना रखा है उसने तो यहां पर भी हम सेम टू सेम सेंट करेंगे लास्ट के तीन लेटर तो अपनी जगह पर ही लिखेंगे फिर क्या करेंगे यहां से कंपेरिजन करना स्टार्ट करेंगे सी एच ए टी ये आपका हो गया डब्ल्यू चैटविन ये आपका आंसर तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई साहब आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं अभी मैं आपको अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को देखना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना तो आसान हो जाएगा अगर देखना सीख गए कि पैटर्न रिवर्स ऑर्डर दे सकता है छठा पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया रीअरेंजमेंट यानी रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कोई पैटर्न नहीं चल रहा बस लेटर्स को उठा के उसकी पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी इसी को बोल दिया हमने रीअरेंजमेंट छठे नंबर का पैटर्न और अब आप पढ़ोगे ठीक है पैटर्न नंबर सेवन ठीक है पैटर्न नंबर क्या पढ़ोग पैटर्न नंबर सेवन जिसको अपन बोलते हैं एक अक्षर के बदले में दो अक्षर एक अक्षर के बदले में दो अक्षर या वन लेटर के इक्वल में टू लेटर दे रखे ठीक है डबल करके बहुत कॉमन है वन लेटर के इक्वल में कितना टू लेटर दे रखे अब आप देखिएगा इधर यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना वन लेटर के इक्वल में टू लेटर रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा जैसे आ, बैंक ले लिया ठीक है और बैंक का कोड उसने आपको दे दिया आपको और आपसे पूछ रहा है नाइस का कोड क्या हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर कितने लेटर हैं? यहां पर है चार लेटर यहां पर कितने लेटर हैं यहां पर लिख दिए उसने आठ लेटर भैया यहां पर तो फोर लेटर ही हैं और यहां पर लिख, लिख लिए एट लेटर तो हो गया ना पैटर्न वन लेटर के इक्वल में कितना टू लेटर यस और नो तो कैसे कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से देखेंगे यानी एक अक्षर के लिए दो अक्षर लिखे हुए हैं इसने ठीक है जैसे आपने लिखा यहां पर बैंक आपने इस जगह बैंक लिख दी और इस जगह आपने चीजें लिख दी यहां पर ए सी जेड बी ए सी जेड बी जे एल ठीक है अब आप इसको देखो यहां पर एक लेटर के लिए आप दो लेटर देखोगे आप क्या दिखाई दे रहा है आपको करो कंपैरिजन दो दो के पेयर बनाओगे आप यहां पर देखोगे आप क्योंकि एक अक्षर के बदले में दो अक्षर लिखे तो आपको क्लियरली यहां पर दिखेगा कि बी से पहले ए आता है भाई साहब तो माइनस वन बी के बाद सी आता है तो इसने किया हुआ है, प्लस वन फिर ए से पहले आता है माइनस वन करेंगे तो जेड ए के बाद प्लस वन करेंगे तो बी तो यहां पे आपको समझ में आ गया माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन ठीक है इस तरीके का लॉजिक चल रहा है तो फटाफट से नाइस के लिए बता दो क्या बनेगा पहले आएगा एम एन ओ यानी मिड वाला लेटर ही है तो इससे पहले एच आई जे बी सी डी डी एफ -E ये आपका आंसर होगा एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न ठीक है इसको अपन बोलेंगे एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न तो ये कहां से आ गया ठीक है एक अक्षर के बदले में इसको अपन ने बोला दो अक्षर वाला पैटर्न अब देखना इधर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना अब यहां पर देखना दोस्तों पैटर्न नंबर आठ सात पैटर्न हो गए पैटर्न नंबर आठ अपन इसको बोलेंगे अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर का मतलब है विपरीत अक्षर विपरीत अक्षर विपरीत अक्षर का सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा जैसे उसने लिखा हुआ है मॉक मॉक का कोड लिखा हुआ है आपका एन एल एक्स पी और आपसे पूछ रहा है वो मान लीजिए नाइस का ही पूछ रहा है। नाइस का कोड क्या है अब आपको आइडेंटिफाई करना तो आप सीधा ये थोड़ी पता है आपको कि भैया अपोजिट लेटर वाला पैटर्न है ये थोड़ी एकदम से थोड़ी ना क्लिक होगा माइंड पे आप तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आप लोग क्या सोचोगे सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले चीज ये आएगी कि यार मैं कंपैरिजन सामने से तो करूंगा नहीं सर ने मना कर दिया अगर क्वेश्चन को फास्ट करना है तो कोड को भाई साहब नीचे लिखूंगा ठीक है अभी बाद में और फास्ट करना बिना पेन चलाए हुए चीजों को करना भी सिखाऊंगा मैं आपको पर पहले एक बार चीजें सीख तो लो ठीक है ये आपका भाई साहब ये हो गया एन ये एल ये एक्स और ये पी आपने लिख दिया मॉक का कोड आपने ये लिख दिया अब आप तो कंपेरिजन उस तरीके से करोगे कि कहीं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री वाला तो सीन नहीं है एम का एन आपने सोचा अरे यार एम का एन प्लस वन है ये तो ओ का एल एल के बाद एम एन नो आता है यानी ये तो भैया माइनस थ्री हो गया ठीक है अरे सी से एक्स सी से एक्स तो कहां चले गए हम सीधा तीन से चौबीस पे चले गए भाई साहब हैं तीन से चौबीस पे चले गए, बहुत बड़ी संख्या हो गई ये तो प्लस इक्कीस टाइप का सीन हो गया और के से पी ए आपका प्लस पांच हो गया तो ये कोई उठपटांग ये तो कोई उठपटांग पैटर्न ही हो गया आपने जब चेक किया तो आपको ये कोई पैटर्न थोड़ी दिखा पैटर्न तो एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं वन टू थ्री या ओड नंबर में वन थ्री फाइव सेवन नाइन इस तरीके से या इवन नंबर में दो चार छ आठ दस या वन टू थ्री फोर इस तरीके से चलते हैं पैटर्न पर आपने तो देखा यहां पर भाई साहब पांचों पैटर्न फेल छठे नंबर का रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन भी नहीं है रीअरेंजमेंट में तो क्या होता है सारे के सारे लेटर वही होते हैं जो कोड में दिखाई देते हैं तो वो लेटर भी नहीं है रीअरेंजमेंट भी नहीं है इसके बाद एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है यानी अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सारा हो गया फेल तो फिर अब आपको सोचना है आठवें नंबर का पैटर्न कि कहीं अपोजिट तो नहीं है कहीं अपोजिट तो नहीं है अपोजिट का मतलब है ये याद रख लेना कि आगे वाले लेटर को कहीं पीछे से तो नहीं लिख रखा और पीछे से और आगे से का मतलब यहां पर यह है कि, कि किसी भी लेटर को अल्फाबेट में लेफ्ट से देखें और राइट से देखें तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए ट्वेंटी सेवन होना चाहिए कितना होना चाहिए ट्वेंटी सेवन होना चाहिए तो क्या बिल्कुल ट्वेंटी सेवन हो तो रहा है एम आता है कितने पे थर्टीन पर एन आता है 14 पर तो सम देख लो फटाफट पड़ सेवन yes, हो रहा है यहाँ पर देख लो ये पंद्रह और ये बारह सम कितना हो रहा है इनका ट्वेंटी सेवन हो रहा है सी आता है तीन पे एक्स आता है चौबीस पे सम कितना हो रखा है ट्वेंटी सेवन हो रखा है यानी आगे से तीन जितने नंबर पे आता है ना पीछे से तीसरे नंबर पे कौन आता है एक्स आगे से के आता है ग्यारह नंबर पर तो पीछे से जो ग्यारह नंबर पर आएगा वो कौन आएगा पी आएगा इनका सम देख लो कितना आएगा 27 होगा ये चीजें होगी पर हमारे पास इतना समय है क्या कि हम बार बार भाई साहब सत्ताइस में से माइनस करके देखेंगे जैसे कि मान लीजिए नाइस आता है चौदह पे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार सत्ताइस में से चौदह को माइनस करूं कितना आया तेरह तेरह पे कौन आता है एम फिर आई आई आता है नौ पे तो फिर तुम्हारे दिमाग में बार बार आएगा अरे यार सत्ताईस में से नो को माइनस करूं पे 18, 18 पे फिर लगाओगे ई ई जे जे ओ ओ पी क्यू आर करू अठारह सोलह सत्रह ऐसे ही सी आता है तीन पे तो चलो सी का तो दे रखा है एक्स वहां से टीप लोगे ई e आता है पांच पे तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगी चीजें अरे यार सत्ताईस में से पांच गया यानी कि बाईस फिर बाईस में लगाऊ में ई ई ओ टी टी e, जे p के बाद uv 22 पे कौन आता है v आता है फिर v लिख दूं मैं ठीक है तो ये काम कर तो सकते हैं पर लेंथी प्रोसेस हो गया 27 में से माइनस करना लेंथी प्रोसेस हो गया हम इन चीजों को डायरेक्टली याद रखेंगे हमें चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है हम डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे अपोजिट लेटर डायरेक्टली याद रखेंगे भाई साहब ठीक है अपोजिट लेटर क्या करेंगे डायरेक्ट याद रखेंगे और हैंड टू हैंड याद करेंगे अपोजिट लेटर डायरेक्टली याद रखेंगे ठीक है कैसे याद रखेंगे इसको देखते हैं देखिएगा सबसे पहले पहला लेटर कौन होता है ए अब आगे से ए और पीछे से पहले नंबर पे कौन है जेड क्या इसको याद करने की आवश्यकता है क्या आप तो मुझे सिंपल सा बता दो आगे से ए है पीछे से पहले नंबर पर आता है जेड तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आगे से दूसरे नंबर पर बी पीछे से दूसरे नंबर पर जेड का अपोजिट वाई आगे से तीसरे नंबर पर सी पीछे से तीसरे नंबर पर एक्स अब यहां से आप लोगों की गणित जो है ना आपको याद करनी पड़ेगी पर आप इसके लिए भी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं ठीक है ए का अपोजिट जेड आप लिख सकते हो आजाद क्या लिख सकते हो आप आजाद लिख देना ए का अपोजिट आजाद ये लिख देना बाय या भाई सब लिख देना बॉय बाय लिख दो बॉय लिख दो जो मर्जी पड़े वो लिख दो ऐसे ही सी का अपोजिट एक्स कॉरेक्स दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई थी ना वो थी कॉरेक्स और आज भी ये शायद ठीक है दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई थी कॉर एक्स तो सीधा याद हो गया सी का अपोजिट एक्स एक्स का अपोजिट सी याद करते हुए चलो भाई साहब फटाफट पड़ से याद करते हुए चलो ठीक है बढ़िया बढ़िया चीजें देखो याद करते हुए चलो डी का अपोजिट डब्लू ये तो भाई साहब परंपराओं से चला आ रहा है दूध वाला ठीक है इसको ले लो दूध वाला डी डब्लू दूध वाला दूध वाली भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ए बी सी डी मर्जी पड़े जैसे याद कर लेना ई का अपोजिट ई का अपोजिट वी अब ई का अपोजिट वी कैसे याद करोगे ई का अपोजिट वी कैसे याद करोगे भाई साहब ई वन याद कर लो ईवन मतलब होता है सम तो ई वी या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो इवनिंग इवनिंग याद कर सकते हो ई वी एक साथ आ रहे हैं ना या फिर एक चीज और मैं बता सकता हूं यहाँ पे आपको वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी तुम्हारा दोष नहीं है ये उम्र का दोष है लव लव आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा है ना क्योंकि ये देखो भाई साहब एल का अपोजिट क्या होता है ओ वी का अपोजिट क्या होता है ई e, दो दो पार्ट में डिवाइड कर देना तो दो चीजें याद हो गई इससे लव वाली स्पेलिंग से कि एल का अपोजिट ओ है और V का अपोजिट E है यस और नो फटाफट फड़ से अप कर देंगे दो चीजें याद हो गई A की स्पेलिंग से E का अपोजिट V फिर अब F पे चले जाओ F का अपोजिट U ये काम आप सबसे ज्यादा करते हो कौन से काम फालतू काम है ना तो फालतू फादर अंकल पापा चाचा बैठ जाएंगे तो फालतू काम करेंगे बहुत बातें करेंगे दो भाई हैं है ना तो इसी तरीके से पालतू एफ का अपोजिट क्या हो गया यू हो गया फटाफट फड़ से तम सब कर देंगे भाई सब एफ का अपोजिट यू पालतू एफ का अपोजिट यू याद रह जाएगा हैंड टू एंड फिर जी आएगा जी का अपोजिट टी तो इसको आप याद कर लेना गवर्नमेंट टीचर कैसे याद करोगे गवर्नमेंट टीचर ठीक है जीटी, टी गवर्नमेंट टीचर जी का अपोजिट टी कैसे भी याद कर सकते हो गवर्नमेंट टीचर जयपुर में जैसे जीटी बहुत फेमस है गौरव टावर ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई साहब जी के बाद एच एच का अपोजिट एस एच का अपोजिट S का मतलब है बहुत सारे रूल बना सकते हो आप इसके लिए तो हाई स्कूल आई स्कूल हरभजन सिंह हनी सिंह मर्जी पड़े जिसको जिससे बना लो भाई साहब जैसे आपको याद रहे बस चीजें समझ तो में आ रही है एच एस एच एस हाई स्कूल ठीक है फिर ऐसे ही आप कर सकते हो आई के लिए भी याद कर सकते हो आप आई का अपोजिट आर आई का अपोजिट आर आई आर इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे है ना इंडियन रेलवेज याद कर लो आई आर आई आर हो गया आई के बाद जल्दी से बता दो तो, आई के बाद क्या आएगा आई के बाद आप करोगे जे जे का अपोजिट क्यू अब इसके लिए आप बहुत सारे हैं जंगल क्यून है ना जंगल क्यून कर लो जेब कतरा कर लो जैकलिन ज्यादा अच्छे से याद रहेगा जैकलिन है ना जे क्यू तो जैकलिन कर सकते हो जंगल क्यून कर सकते हो और जेब कतरा कर सकते हो ठीक है ऐसे आप कर सकते हो जे के बाद के के का अपोजिट होता है पी इसको आप बोल सकते हो काला पानी काला पानी की सजा होती है या फिर आपकी पी के मूवी आई थी है ना पी के मूवी आई थी भाई साहब तो काला पानी के पी फिर आ गया एल एल तो अभी आपको सिखाई है एल का अपोजिट ओ है ना ये आपको सिखाया ना लव वाली स्पेलिंग से ये आपको याद रह जाएगा आसानी से एल का अपोजिट ओ होता है वी का अपोजिट ई e होता है ठीक है और उसके बाद में लास्ट एम एन एम और एन दोनों आसपास आ रहे हैं ना एम और एन तो पड़ोसी हैं मोबाइल नंबर बोल लो मकान नंबर बोल रो ठीक है मकान नंबर मोबाइल नंबर एम एन तो ऐसे याद हो जाएगा आपको ठीक है अब आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको याद हो जाएगी एकदम ठीक है अब यहां पर देखना भाई साहब बहुत ही बढ़िया चीजें यहां पर समझने की कोशिश करना आप बड़ा मजा आएगा देखिएगा इधर ठीक है अब कौन कौन सी चीजें आपको याद हो गई उस पर फोकस करते हैं आपको पहला वाला याद करने की जरूरत नहीं है दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है ए का अपोजिट जेड ठीक है आजाद बी का अपोजिट वाई बॉय सी का अपोजिट एक्स कॉरेक्स ये तीन चीजें याद हो गई चौथा तो ऑटोमेटिकली याद हो गया दूध वाला डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला सही है दूध वाला आप कभी भूलोगे नहीं ये आपको हमेशा याद रहेगा लव की स्पेलिंग से आपको यह याद हो गया कि एल का अपोजिट और वी का अपोजिट ई e, तो ये ये दो चीजें भी याद हो गई आपको ठीक है ना लव की स्पेलिंग से याद हो गई फालतू काम आप सबसे ज्यादा करते हो ये आपको वैसे ही याद हो गया एफ यू एफ का अपोजिट यू फालतू काम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं है ना ये आपको वैसे ही याद हो गया एक स्पेलिंग शर्ट की स्पेलिंग एस एच आई आर टी शर्ट जैसे बिस्कुट को आप बोलते हो ना पार्ले जी पार्ले जी तो वैसे ही आप शर्ट को बोल दो शर्ट जी इज्जत दे दो थोड़ी सी और दो दो का पेयर बना लो भाई साहब इसमें इसमें आप बना लो दो दो का पेयर शर्ट जी दो दो का पेयर बना लिया आपने ये लो शर्ट जी तो इससे आपको चीजें याद हो गई एस का अपोजिट एच ये दोनों याद हो गए एस का अपोजिट एच एच का अपोजिट एस आई का अपोजिट आर आर का अपोजिट आई का अपोजिट जी जी का अपजिटी पैट जी की स्पेलिंग से आपको ये याद हो गए ये तीनों याद हो गए आपको जी का अपोजिट टी एच का अपोजिट एस आई का अपोजिट आर ठीक है इसके अलावा काला पानी की सजा ये आप कभी भूलोगे नहीं एम और एन दोनों आसपास आ रहे मकान नंबर ये भी आप भूलोगे नहीं जैकलिन आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा जैकलिन फर्नांडिस जे क्यू जंगल क्यून जंगल क्यून भी याद रहेगा वैसे अरे तो भाई साहब सारे याद हो गए ना फिर बचा क्या है सारे याद हो गए नहीं हो गए एक बात तो, बताओ अरे सारे याद हो गए नहीं हो गए जल्दी से बताओ तो थम्स अप कर दो एक बार फटाफट पड़ से कि ये सर सारे याद हो गए ए का अपोजिट जेड बी का अपोजिट वाई सी का अपोजिट एक्स कॉर एक्स डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला इवनिंग की स्पेलिंग से ई वी याद हो गया या लव की स्पेलिंग से वी ई याद हो जाए कैसे भी याद कर लो फालतू काम आप सबसे ज्यादा करते हो एफ यू जी टी गवर्नमेंट टीचर ठीक है इसके अलावा एच एस हनी सिंह हाई स्कूल आई आर इंडियन रेलवे जैकलिन जे क्यू के पी काला पानी और एल ओ की लव की स्पेलिंग से एल ओ और मकान नंबर पास पास में हो गया ठीक है तो ये सारी चीजें अपने को एक बार में याद हो गई कि कौन किसके अपोजिट है कभी भूलोगे क्या जिंदगी में बड़ा बड़ से तुम सब कर दो नहीं सर जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम लोग ठीक है तो ये आपका हो गया अपोजिट लेटर का पैटर्न कि कौन किसके अपोजिट है अब एग्जाम में आ जाए तो कर लोगे अब अपन चलते हैं नाइन्थ नंबर के पैटर्न की तरफ और नाइन्थ नंबर का पैटर्न कहता है कोई पैटर्न ही नहीं है जरूरी है क्या हर बार में एग्जामिनर एक्जा, कहेगा जरूरी है क्या मैं हर बार पैटर्न दूंगा तुम्हें हाँ बावला समझाया क्या भाई साहब मैं पैटर्न ही नहीं दू कभी कभी अब पैटर्न नहीं दू कभी कभी तो उसका किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये भी समझ लेना देखना इधर किस तरीके से आएगा एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन अब देखना एग्जामिनेशन मान लो ये दे दिया एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन का कोड आपको दे दिया आ, ये लो भाई साहब पीएक्स टी यू एच पीएक्स यूएचआर चार वाई फिर कहेगा एच फिर कहेगा बी

तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ आपको आप विश्वास रखो आप कंपेरिजन कभी भी सामने से मत करो पैटर्न को नीचे लिख दो भाई साहब ये नीचे लिख दिया आपने पी एक्स फिर क्या दे रखा है आपको दे रखा है टी यू फिर दे रखा है एच आर ठीक है एच आर फिर दे रखा है टी वाई टी वाई और फिर दे दिया आपको एच बी और ये आर दे दिया अब आप देखो कैसे पहचानोगे पहचानने का तरीका क्या है पहचानने का तरीका सबसे आसान है इसको देखो कि नौ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे उसको पहचानने का तरीका ये रहा कि जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है ना जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है उसके अंदर आने वाले सारे लेटर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं जिसका उसने कोड दे रखा है जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है नेम का कोड पूछा है तो नेम के अंदर आने वाले जितने भी लेटर है ना वो सारे के सारे इस स्पेलिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे देखो एन ए एम तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि भाई साहब सारे के सारे लेटर उसी स्पेलिंग में आ रहे हैं जिसका उसने कोड दे रखा है ठीक है तो आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का नो no पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका यह है कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा देखो ए के लिए ए के लिए देख लो सेम लेटर के लिए सेम कोड है ए के नीचे टी लिखा हुआ है यहां भी ए के नीचे टी लिखा हुआ यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड है ऐसे आप एन को देख सकते हो एन के लिए क्या लिखा हुआ है आर तो यहां भी एन के लिए आर लिखा हुआ है सेम लेटर के लिए भाई साहब बिल्कुल सेम कोड है इसी तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो आई को आई दो बार आ रहा है ना तो आई को देखो आई के लिए कोड क्या लिखा हुआ आई के लिए कोड लिखा हुआ एच यहाँ भी आई के लिए कोड लिखा हुआ एच तो अब आपको साहब पूरी गणित समझ में आ गई कि ये तो इसने सेम लेटर के लिए सेम कोड दे दिया तो जिसके नीचे जो लिखा हुआ है ना वही उसका कोड जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है तो खत्म हो गया एन का कोड क्या, क्या आ गया एन का कोड आ गया आर ए का कोड क्या आ गया ए का कोड आ गया टी एम का कोड क्या आ गया एम का कोड आ गया यू और ई e का कोड क्या आ गया ई e का कोड आ गया पी तो ये हमारा आंसर हो गया यस और नो गाइस फटाफट से अप करके बता दो नो no पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं नो no पैटर्न से रिलेटेड चीजों का मतलब ये है कि जिस सेम लेटर के लिए सेम कोड और या फिर जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है उसके लेटर्स सारे के सारे उसी स्पेलिंग में से ही होंगे जिसका उसने कोड दे रखा है ये दो तरीके हो गए नो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ठीक है अब आप चलते हैं कि एक ऐसी चीज फंस जाए कि पैटर्न समझ में ही ना आए मतलब ये नौ के नौ पैटर्न ही फेल हो जाए तब अपन क्या करेंगे भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नो पैटर्न मैंने आपको सिखाया ना ये सारे ही फेल हो जाएं कैसे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आप तो करके देख लो ठीक है जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आप ये मत सोचना कि मैं वही दे रहा हूं हो सकता है मैं कुछ और भी दूं आप लोग आइडेंटिफाई करके बताना भाई ये स्पेलिंग लिख दी मैंने शोल्डर की किसकी स्पेलिंग लिख दी मैंने शोल्डर की स्पेलिंग लिख दी और मैं आप लोगों को यहां पे दे रहा हूं शोल्डर का कोड ये है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कोस का कोड क्या होगा ठीक है राजेश कुमार कह रहा है कि कौन कौन कैटरीना की शादी में जा रहे हो तेरे को बड़ी चिंता है भाई कैटरीना की शादी की है खुद की शादी की चिंता कर कि किससे होगी भाई होगी भी कि नहीं होगी कैटरीना को तो छोड़ वो वेल सेटल है और जिससे भी शादी कर रही है वो भी वेल well सेटल है सही है कि नहीं है ये चीज तो मानते हो ना कैटरीना की शादी की चिंता है लोगों को हद यार कहा तो क्या चीजें पढ़ रहे हैं और कहा कैटरीना याद आ रही है भाई साहब क्या मानसिकता है तुम लोगों की यार अरे भैया देख लो इधर चीजों को समझ लो अभी बढ़िया है जीवन में यही यही कैटरीना दिलाएगी और यही से सलमान खान बनोगे भाई साहब और यही से विक्की कौशल भी बनोगे यही चीजें तुम्हारे पास ले देके के अच्छे से करने के लिए तो फोकस कर लो अभी थ्योरी समझा रहा हूं फिर पचास क्वेश्चन करवाऊंगा अभी तो थ्योरी चल रही है फिर पचास क्वेश्चन भी तो करने हैं तुम्हें पर बारह बजे क्लास है भूल मत जाना यह मत सोचना कि बस थ्योरी हो गई हमने जंग जीत ली हम अब चले गए कैटरीना की शादी में ऐसा मत करना भाई साहब बारह बजे होने वाले हैं पचास क्वेश्चन असली मजा तो यहां आएगा यहाँ और फिर डेढ़ बजे जब आप तुम पढ़ोगे क्लोक चैप्टर तब आएगा मजा तो आज भाई साहब खटिया खड़ी होने वाली है तुम्हारी पचास क्वेश्चन जब करोगे ना बारह बजे आना अकेडमी लर्निंग ऐप पर तब पता लगेगी रियलिटी कि कितनी चीजें सीखी और कितनी सीखनी बाकी है अभी तो ठीक है चलो देखना शोल्डर का कोड ये लिखा है अब तुम क्या करोगे भाई साहब यहां पर ये लिख दिया तुमने कोड नीचे लिख दिया इस कोड को लिख दिया तुमने नीचे यहां पर लिख दिया ये वी पी ये आई ये टी वी पी आई टी फिर यहां पर कर दिया क्यू टी सी और ये के अब आप यहां पर देखना अब आप करोगे कंपेरिजन जो आपने सीखा है क्या सीखा है आपने कि सर क्या पता प्लस वन प्लस टू वाले लॉजिक चल रहे हों तो आपने लगाया एस के बाद टी यू वी आपने लगाया प्लस थ्री अरे एच से पी सीधा आठ का डिफरेंस ओ से आई अरे भाई साहब माइनस सिक्स यू से टी माइनस वन अरे तो ये कैसा पैटर्न चल रहा है आपका हो गया दिमाग खराब आपने कहा और ये तो कोई पैटर्न ही नहीं चल रहा जीरो हो गया तो भाई साहब ये कैसा पैटर्न चल रहा है ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बनता आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर आएगी कि ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है ये तो कोई पैटर्न है ही नहीं अब ये कोई पैटर्न जब है ही नहीं तब क्या करेंगे तो आपके दिमाग में आएगी पिक्चर कि क्यों ना पीछे से चेक किया जाए हो सकता है आगे वाले से ना हो रहा हो कंपैरिजन तो कोई बात नहीं पीछे से चेक करते हैं एस का के आपके दिमाग में आया माइनस एट फिर एच से सी आपके दिमाग में आया माइनस पांच अरे वाह वाह फिर o से D, ये हो गया सारे सपने यहां धरे रह गए है? फिर यू से क्यू पे गए आप फिर आपने सोचा माइनस फोर फिर उठ पटांग चीजें चलने लगी फिर कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो भाई साहब आपको इतनी तो गणित समझ में आ गई ना तो पैटर्न आगे से बनेगा ना पैटर्न पीछे से बनेगा न तो पैटर्न आगे से बनेगा न पैटर्न पीछे से बनेगा यानी आप यहां तक पहुंच चुके हो कहां तक रिवर्स ऑर्डर तक ये पांचों पैटर्न फेल प्लस ग्यारह प्लस तेरह वाला सीन भी नहीं है तब अब आप चेक करोगे कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं है तो आपने चेक किया क्या सारे लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं क्या एस भी नहीं दिख रहा रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सारे लेटर सेम जी नहीं एस तो यहाँ है ही नहीं एच एच भी नहीं है अरे भाई साहब रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है अब रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है है ना रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है इसके अलावा एक अक्षर के बदले में दो अक्षर का पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे आठ अक्षर हैं तो यहाँ सोलह होने चाहिए एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है फिर आपके दिमाग में आएगा आठवें नंबर का पैटर्न जो आपने अभी अभी पढ़ा है कहीं अपोजिट तो नहीं है अपोजिट लेटर अपोजिट भी चेक कर लिया भाई साहब एस का अपोजिट होता है एच कहीं नहीं दिख रहा एच कहीं एच नहीं है ओ का अपोजिट होता है एल कहीं पर भी भाई साहब एल नहीं है तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब अपोजिट लेटर वाला पैटर्न भी नहीं है तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या पता कहीं नो पैटर्न वाला क्वेश्चन हो जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका कोड हो अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो फिर भाई साहब पी का कोड कहां से लाओगे इसमें कहीं पर भी पी भी नहीं है आपको पैटर्न पहचानना था ना नो पैटर्न का मतलब होता है कि स्पेलिंग के जितने भी लेटर हैं फिर उस स्पेलिंग में से आने चाहिए थे जिसका उसने कोड दे रखा है तो इस स्पेलिंग में तो पी है पी का कोड से लाओगे? सारी चीजें के जितने भी पैटर्न अभी तक पढ़े नौ पैटर्न आपको मैंने पढ़ाए एक ही टाइप के नौ पैटर्न मैंने आपको पढ़ाए वो सारे पैटर्न फेल हो गए तो अब क्या करेंगे तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं पैटर्न नंबर दस जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दस पैटर्न सिखाऊ पैटर्न नंबर कौन सा पैटर्न दस जिसको हम बोल सकते हैं राम बाण विधि ठीक है अब मैं आपको सिखाने वाला हूं राम बाण विधि अब राम बाण विधि में क्या करेंगे भाई साहब जब हमें कुछ भी समझ में ना आए लेकिन तब जब ये नौ पैटर्न अप्लाई कर चुके हों अब आप सीखने वाले हो रामबाण विधि रामबाण विधि के अंदर क्या करना होगा काउंटिंग रामायण विधि के अंदर करना होगा काउंटिंग काउंटिंग का मतलब होता है कि हम अक्षर गिनेंगे हम अक्षरों की क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे भाई साहब हम अक्षर गिनेंगे अब ठीक है अब अक्षर गिनेंगे तो फिर से चीजें दो तरीके से बन गई कैसे बन गई दो तरीके से या तो संख्या इवन में होगी सम में होगी है ना या तो संख्या सम में होगी या फिर भाई साहब संख्या विषम में होगी सही है नहीं है या तो संख्या सम में होगी या फिर संख्या विषम में होगी ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं फटाफट से थमसप कर दो तुरंत प्रभाव से कि स्तर बिल्कुल समझ में आ गई जल्दी से बताओ काउंटिंग करेंगे क्या करेंगे काउंटिंग काउंटिंग करने के बाद में दो चीजें बनेगी या तो संख्या सम में होगी या फिर संख्या विषम में होगी अब संख्या सम में होगी ना तो बनेंगे पेयर्स क्या बनेंगे पेयर्स जोड़े बनेंगे अगर सम में होगी और अगर विषम में होगी तो टारगेट करना है मिड लेटर पे टारगेट किस पे करना है मिड लेटर पे दोनों चीजें सीख लो फटाफट से यहां पर देखना इधर अब अब भाई साहब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपकी गणित कहां पे चली गई कि भैया गिन लो कितने अक्षर हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आपको आठ अक्षर दिखे यानी संख्या वाला पैटर्न दिखा संख्या पैटर्न का मतलब है कि पेयर्स बनेंगे युग्म बनेंगे अब आठ के जब जोड़े बनाने बैठोगे तो या तो दो, दो के जोड़े बनेंगे या फिर चार चार के जोड़े बनेंगे है ना अब आप जोड़े बनाओगे तो या तो दो, दो के जोड़े बनेंगे या फिर चार चार के जोड़े बनेंगे तो आपने देख लिया यहां पर चार चार में डिवाइड कर दिया सबसे पहले चार चार में डिवाइड कर दिया अगर आपने क्वेश्चन के लेटर्स को फोर फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यह भी सिद्ध हो गया कि भाई साहब आपका जो नीचे वाला पैटर्न है वो भी चार चार में डिवाइड हो जाएगा ये गणित अब हमें ये नहीं पता कि आगे वाले चार, के लिए ये चार हैं या आगे वाले चार के लिए ये चार है पर हैं जरूर चार चार में डिवाइड करके देख चेक कर रहे हैं हम लोग अब ये दिखा आपको यू का वी ओ का पी एच का आई और एस का टी भाई साहब दिख गया तुम्हें पैटर्न अच्छे से आपको पैटर्न दिख गया क्या चल रहा है इसके अंदर इसके अंदर चल रहा है प्लस में लेकिन कहां से चल रहा है पीछे से इसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे जब आपने इसको चेक किया तो आर का क्यू का डी डी का एल का के, इसके अंदर पीछे वाले चार के अंदर हो रहा है माइनस वन और इसमें भी पैटर्न क्या चल रहा है इसमें भी पैटर्न यह चल रहा है कि भाई सब पीछे से दे रखा है यानी अब आपको पैटर्न समझ में आ गया अब आप पिकॉक के लिए फाइंड कर सकते हो ठीक है पिकॉक जो है इसके लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो देखना और इसको हम फाइंड करते हैं यहां पर पी ए -C O सी के एस ठीक है ये चार चार में डिवाइड कर दिया फटाफट -पड़ से आगे वालों में प्लस वन है पीछे वालों में माइनस वन है क्रॉस में ले जाओ भाई साहब क्रॉस में ले जाएंगे इस तरीके से तो ये लो इसमें प्लस वन तो ये डी ए का बनेगा बी ई का बनेगा एफ और पी का बनेगा क्यू और यहां पे माइनस करेंगे तो ये आर जे बी और एंड ये बनिए सही है नहीं जल्दी से बता दो फटाफट पड़ से तुरंत प्रभाव से बता दो भाई साहब समझ में आ गया कि नहीं आ गया जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करोगे काउंटिंग अब काउंटिंग करोगे और सम में आया तो या तो पेयर बनेंगे दो दो के या फिर पेयर बनेंगे चार चार के चार चार वाला बन रहा था यहां पर कभी कभी दो दो वाला भी बन जाता है दो दो वाला भी बन जाता है ऐसे क्रॉस में दे देता है ऐसे आठ के ऐसे पेयर भी बन सकते हैं दो दो भी बन सकते हैं ठीक है अब भाई साहब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको करना है मुझे आप लोग करके बताएंगे क्रिकेट क्रिकेट का कोड है आपके पास क्रिकेट का कोड ये है क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या हो जाएगा ये पैटर्न मैंने आपको अगर क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से फिर इस पैटर्न्स को ऐड करके सीधा मिलेंगे अपन आन अकेडमी पर क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या होगा बनाओ भाई साहब जल्दी से बनाओ फटाफट से क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या होगा अब आप देखो दोस्तों यहां पर क्रिकेट क्रिकेट का कोड आपको क्या दे रखा है जल्दी से देखेंगे क्रिकेट का कोड आपको क्या दे रखा है जे एस डी ई एस डी और जे ठीक है अब आप क्रिकेट का कोड देखोगे अब आप कंपेयर करोगे सी का जे प्लस सात गेप बहुत ज्यादा है आर से S, प्लस वन, आगे से तो भैया पैटर्न नहीं लग रहा पीछे से लगाओगे सी का जे फिर से प्लस सात आर से डी माइनस चौदह भाई साहब पीछे से भी पैटर्न नहीं बन रहा ना तो आगे से पैटर्न बन रहा है ना पीछे से पैटर्न बन रहा है अब आप क्या करोगे फिर आप चेक करोगे यानी रिवर्स ऑर्डर तक फेल अब आप चेक करोगे रीअरेंजमेंट तो नहीं है रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सारे लेटर सेम सी कहीं दिखाई दे रहा है आपको कोड में नहीं दिखाई दे रहा रीअरेंजमेंट भी नहीं है फिर आप चेक करोगे एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है अपोजिट चेक कर लो सी का अपोजिट होता है एक्स क्या सी का अपोजिट एक्स कहीं दिख रहा है अपोजिट भी नहीं है भाई साहब सारी चीजें फेल सारे पैटर्न फेल तो फिर आपको क्या सिखाया मैंने रामबाण विधि रामबाण विधि का मतलब होता है काउंटिंग लेटर काउंट करो कितने लेटर हैं एक दो तीन चार पांच छ सात सात मतलब होता है विषम संख्या अगर विषम संख्या में आएगा तो क्या करोगे टारगेट किस पे करोगे मिड लेटर अगर विषम संख्या में आएगा तो टारगेट करेंगे मिड लेटर को मिड लेटर का कंपेरिजन होगा मिड लेटर से इसको तो अलग कर दो भाई साहब इसको तो अलग कर दो सी का क्या दे रखा है ई e दे रखा है सी का दे रखा है ई e, यानी इसके अंदर तो चल रहा है प्लस टू सी का दे दिया ई e, यानी इसके अंदर तो कर दिया प्लस टू आगे वाले तीन अलग पीछे वाले तीन अलग है ना आगे वाले तीन अलग कर दो पीछे वाले तीन अलग कर दो अब इनमें करो कंपैरिजन क्या हो रहा है आई का जे आर का एस सी का डी इसमें हो रहा है प्लस वन यहां पर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है माइनस वन पीछे वालों में हो रहा है माइनस वन आगे वाले अलग पीछे वाले अलग ये पैटर्न चल रहा है तो मिड वाले को टारगेट किया मिड वाले में क्या करना है प्लस करना है ये लिख दिया हमने ई आगे वाले तीन अलग पीछे वाले तीन अलग आगे वालों में करेंगे प्लस वन पीछे वालों में करेंगे माइनस वन क्रॉस में लेकर चले जाएंगे भाई साहब ये लो क्रॉस में लेकर चले गए टी का हो जाएगा यू, ए का एम का एन और यहां पर माइनस वन करेंगे तो यहां पे बनेगा आर ये डी और ये एच माइनस वन जी सही है ये हमारा आंसर बनेगा फटाफट पड़ से बता दो यू बी एन यू बी एन ई आर डी जी बिल्कुल सही जवाब है सभी लोग हम सब कर देंगे भाई साहब सारी चीजें समझ में आ गई लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाते हैं फिर भी आपको लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो भाई साहब एक ही टाइप पढ़ा है आज हमने एक ही टाइप पढ़ा है और एक ही टाइप के हमने कितने पढ़े हैं दस पैटर्न पढ़े हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप वन के हमने कितने पढ़े हैं दस पैटर्न पांच ये छठा रीअरेंजमेंट सातवा हमने पढ़ा एक अक्षर के बदले में दो अक्षर आठवा पढ़ा अपोजिट लेटर ठीक है नववा पढ़ा हमने नौ पैटर्न कोई पैटर्न नहीं हो और दसवा पढ़ा हमने रामबाण विधि काउंटिंग मेथड ठीक है तो दस पैटर्न आपने पढ़े मजा आ गया कि नहीं आ गया अरे पुलिस का एग्जाम हो पटवारी हो दिल्ली पुलिस हो राजस्थान पुलिस हो यूपी कॉन्स्टेबल हो एफकेट हो एसएससी हो रेलवे हो एन टीपीसी टू हो या ग्रुप डी हो सभी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एक कॉमन क्लास लेकर चल रहे हैं हम थ्योरी क्लास लेकर चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे अब क्या होने वाला है अब होने वाला है आप मिलोगे सीधा बारह बजे बारह बजे मिलोगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अब ये थ्योरी पढ़ ली अब थ्योरी से रिलेटेड आप करोगे पचास क्वेश्चन कोडिंग डी कोडिंग पचास क्वेश्चन करोगे आप कोड डिकोड के ठीक है बढ़िया तरीके से फिर आप लोग मुझे मिलोगे डेढ़ बजे डेढ़ बजे आप क्या करोगे डेढ़ बजे अन अकेडमी पर मिलोगे बिल्कुल फ्री क्लास है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर कौन सा टॉपिक पढ़ोगे थ्योरी का पहली थ्योरी की क्लास चल रही है वहां पर भी जिसके अंदर हम लोग घड़ी टॉपिक पढ़ने वाले क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं घड़ी जिस किसी को भी क्लॉक पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक तो भाई साहब वो एक्सपर्ट बनेगा बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल ठीक है आ जाना भाई साहब क्लॉक पढ़ने के लिए ये दो क्लासेस आगे का शेड्यूल फिर आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में फिलहाल तो ये दो चीजें आपको याद रखनी बात समझ में आ गई क्लियर है किसी का भी एग्जाम हो बेटा मैं बोल रहा हूं आपकी तैयारी पूरी होगी यार मैं इतना ही कह सकता हूं बस आप लोगों से ठीक है ना ठीक है बेटा तो बस तैयार रहो अब और एक चीज हमेशा याद रखो कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं किससे लड़ना पड़ेगा रातों से मेहनत करनी पड़ेगी तरीके से मेहनत करेंगे और वो भी साथ में मिलकर करेंगे आप भी करेंगे मैं भी करूंगा ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्न बारह बजे की क्लास में लेके आऊंगा आप भी कहेंगे कि सर मजा आ गया वास्तव में बस एक चीज याद रख लो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सबसे पहले आप लोग दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम है यहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास का लेक्चर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा ज्वाइन कर लेना टी डॉट मी स्लैश दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से मिल जाएगा है ना टी डॉट मी स्लैश दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल ये लिंक है अपना टेलीग्राम का ठीक है प्लस कोर्स अपना आज से चालू हो रहा है जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं दो बार कोर्स करना चाहते हैं मैं तो सीधा बोल रहा हूं एक बार यहां पर और एक बार वहां पर अगर दो बार बढ़िया तरीके से कोर्स करना चाहते हैं और मेरे क्लास के साथ साथ और भी टीचर्स के क्लासेस को ज्वाइन कर बाकी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं क्योंकि सिलेक्शन तो उसी से होगा एक सब्जेक्ट से तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं तो भाई साहब आपको क्या करना है अन अकेडमी पर दीपू टेन कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना है आज से रात को आठ बजे इसकी प्लस क्लास होगी कंप्लीट बैच की और आपको जो भी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आपको मुझे सबसे पहला काम आज का सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको अन अकेडमी पर फॉलो कर लेना है जाओ अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करो और मुझे फॉलो कर लो दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग फॉलो करोगे फॉलो करने के बाद में आप लोगों को जो हैं उसके मैसेजेस वगैरह मिल जाएंगे फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा आपको मैसेजेस वगैरह मिलते रहेंगे ठीक है इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल पर ही नीचे देखोगे आप बैचेस बैचेस पे क्लिक करोगे या सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे बैचेस दिख जाएंगे आपको मेरे जो भी अपकमिंग बैचेस हैं रनिंग बैचेस हैं प्रीवियस बैचेस हैं सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाइएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में पांचवी स्टेप ये है कि आपके पास में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल ओपन होगा और वहां वो पूछेगा एडर रेफरल कोड उस एडर रेफरल कोड में आपको लगाना है दीपू 10 ठीक है आप दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई कर दोगे अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ लिख, देखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा अवेशम दीपू टेन कोड अप्लाइड टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल गया है और अब आप एलिजिबल हो गए हैं मेरी ही क्लास नहीं सभी टीचर्स की क्लासेस देखने के लिए चाहे मैथ्स हो रीजनिंग हो जीके जी हो इंग्लिश हो सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं अपने डाउट वगैरह जो भी है सही समय है क्लियर करने का जो भी डाउट है भेज दो टीचर्स से बात करनी है प्रॉपर गाइडेंस लेना है तो रेज हैंड का ऑप्शन अवेलेबल है वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं वहां पर भी चीजें बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं ठीक है अब रामकेश मीणा जी नेट ज्यादा खाता है या कम खाता है भाई रिचार्ज एक्स्ट्रा करवा लो लेकिन अभी जो चीजें चल रही है ना अब पूरे सेशन का निचोड़ बारह बजे आपको देखने को मिलेगा तो सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे कसम खाएंगे कि यस सर बारह बजे आके पचास क्वेश्चन लगाएंगे अप कर दो फटाफट पड़ से कि यस सर पचास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बारह बजे आकर अप कर दो सभी बच्चे सब कुछ होगा नंबर सीरीज वगैरह भी पढ़ाएंगे यार क्यों नहीं पढ़ाएंगे सभी चीजें पढ़ाएंगे सभी लोग तो हम कर देंगे कि यस सर बारह बजे आने वाले हैं अभी हम अनकेडमी लर्निंग ऐप पर ठीक है तो फॉलो कर लेना भाई साहब मैंने बता दिया अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर और जो भी इन्हें प्रोप्राइट कंटेंट देखते हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी सेशन के नीचे और जो भी लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो वाईफाई स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो डेली क्लास होती है इसी समय पर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको यूट्यूब की क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें ठीक है लाइक और शेयर कर देना सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना भाई सेशन ठीक है थैंक्स अ बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे मिलते हैं 12 बजे चलिए बाय टेक केयर एक प्रॉपर कॉपी बना लो मैं तो कह रहा हूं नोट्स की यार ये नोट्स भी चलने दो और वो क्वेश्चंस भी चलने दो ठीक है चलिए